ये दोस्तों आपका एक नज़र कृषि चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर से ले चलते हैं कीवी के बगीचे में और दिखाते हैं आपको कीवी। अभी हमने 3 दिन पहला जो है कीवी तोड़ी थी, तो उसको भी दिखाते हैं। और उसी दिन जो है बारिश भी हो गई, यानी कि 3 दिन पहला, लेकिन बारिश इतनी हुई कि हद से ज़्यादा। जो हमने छंटाई की थी, जैसे कि मतलब कीवी का थोड़ा बड़ा साइज निकाल दिया था और छोटा हमने रहने दिया, तो अब हम आपको उस साइज़ को फिर से दिखाते हैं कि इस बारिश से साइज में क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि साइज जो है उस दिन हमने बिल्कुल छोटा मतलब छोड़ दिया था, और जो बड़ा बड़ा साइज था तो वो हमने सारा निकाल दिया था। जो कीवी वाले आए थे उन्होंने वो सारा साइज जो है निकाल दिया था। तो ये देखिए, इस वक्त कीवी में उसी ढंग से साइज, और 3 दिन के अंदर अंदर साइज जो है कितना जो है बड़ा, ये देखिए। क्योंकि हमने इसमें सारी एक बार जो है पूरे इसमें छंटाई कर दी और 3 दिन पहले तुड़ाई की थी, तो 3 दिन तुड़ाई पहले करने से जो है मतलब, जैसे कि आज जो है 11 तारीख होगी, तो 8 दिन 8 तारीख को जो है इसमें तुड़ाई हुई थी, और 8 तारीख को ही बारिश इतनी हुई कि हद से ज़्यादा। और 2-3 दिन के अंदर अंदर ही जो है एकदम रस भरने से कीवी में जो है रस आ गया। और साइज देखिए, यानी कि थोड़ी कसर रह गई मुट्ठी भर आने में, ये देखिए साइज ठीक चला है, ऐसी बात नहीं है। जितनी बारिश हो उतनी ही जो है मतलब कीवी के लिए तो कम है, जितनी बारिश हो उतना ही फायदा है। क्योंकि अगर बारिश हो तो इसमें फ्रूट अच्छा निकलता है। ये देखिए छंटाई की है हमने, और छंटाई करने से जो है इसमें फ्रूट, और बारिश से इतना फ्रूट बढ़ गया। तो अभी फ्रूट तो काफ़ी है, लेकिन इसमें अभी भी और बारिश हो जाए तो ये देखिए साइज, और साइज तो कहने ही क्या है। ये देखिए साइज जो है इतना ही जो है बन रहा है, ये देखिए, ये देखिए साइज। और कीवी जबकि हमने इसमें से काफ़ी तुड़ाई की है, और छांट छांट के जो हमने साइज बड़ा कर निकाल दिया था, और अब इसमें ये सिर्फ हमने छोटा साइज छोड़ा। जब छोटा छोड़ा तो इतनी बारिश हुई कि हद से ज़्यादा। बारिश में भी ऐसे लग रहा था कि डर सा लग गया, इतनी ज़ोर से बारिश हुई है। तो उस बारिश से जो है मतलब साइज इतना अच्छा आया, और यानी कि ये एक हफ्ता तो बहुत दूर की बात है। अगर एक बारी कहीं फिर बारिश हो गई तो 4 या 5 दिन के अंदर अंदर जो है इसकी तुड़ाई करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, अगर हम तुड़ाई नहीं करेंगे और साइज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये पेड़ से गिरना शुरू हो जाएगी। ये देखिए क्या होता है इससे, क्योंकि पक भी जाती है और थोड़ी पेड़ से गिरना शुरू भी हो जाता है ये, तो इसलिए जो है इसकी छंटाई हो जाए। अगर हम छंटाई करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने छंटाई की, ये तोड़ देंगे अब इसको हम, तो ये छोटा साइज एक बीच में रहा हुआ जो, ये फिर से बढ़ जाएगा, ये छोटा नहीं रहेगा, ये फिर बढ़ जाएगा।
तो इसलिए जो है इसमें छंटाई होनी बहुत अनिवार्य है और बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, तभी हमारा कीवी का साइज़ जो है मतलब सही चलता है। अगर छंटाई ना हो, वैसे छंटाई की भी ज़रूरत नहीं होती है अगर बारिश पूरी हो, अगर बारिश हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। अगर बारिश हो जाए, जैसे कि ये दो दिनों में, इन तीन दिनों में बारिश हुई, तो जो साइज़ जो है इसमें इतना बड़ा, तो इससे जो है मतलब साइज़ में मतलब काफ़ी सुधार हुआ, तो ऐसा सुधार होना चाहिए। तो इतनी बारिश हो जाए तो इसमें बारिश से ही जो है साइज़ बनता है। ऐसे हम पानी लगाते हैं लेकिन उस पानी का कम फायदा होता है, और जो बारिश होती है तो वो बारिश कुछ अलग सी बात है। बारिश का तो कहना ही क्या है। अगर हम ऐसे तो चाहे जितना मर्ज़ी पानी लगाए, वो तो एक वो हिसाब है कि पौधे को हमने खड़े रखना है। अगर पौधे को खड़े रखने के लिए हमारे को जो है पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर जो है ये पौधा तो खड़ा रह जाता है, लेकिन रूट में इतना सैंपल नहीं आता और इतना साइज नहीं बनता जो बारिश से बनता है साइज। तो ये रहा हमारा आज का स्टेटमेंट जो है हमने दी है, और देखते हैं बारिश की अभी भी बिल्कुल मिट्टी जो है, ये देखिए यूँ करके भी जो है मिट्टी बिल्कुल गीली है, और बारिश तो जितनी ज़्यादा हो उतना ही हमें हमारे लिए फ़ायदा है। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।